अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुफरान है। मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। इससे पहले मैंने आप लोगों को अपने अलफजर के वीडियो में एक तो WR06 ये वॉच के बारे में मैंने WS06 ये वॉच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और एक ये WR02 इस वॉच के बारे में भी मैंने बताया था। आज मेरे पास में एक दूसरी वॉच है, इसके बारे में मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगा। तो वीडियो में भाई बने रहें और ये वीडियो पूरा देखें। तो ये वॉच का बॉक्स है, ये वुडन फिनिश का बॉक्स है, ऊपर में अल्फाजर की मार्किंग दी गई है। अब ये बॉक्स को हम ओपन करते हैं। अब ये बॉक्स में ये वॉच है, बॉक्स के अंदर भी ये अल्फाजर की मार्किंग दी गई है और अंदर यूज़र मैनुअल है। ये इंग्लिश में है, अरबी में है, इंग्लिश और अरबी दो लैंग्वेज में यूज़र मैनुअल इसमें दिया गया है। तो इसको हम लोग रखते हैं साइड में, हम लोग घड़ी के बारे में जानते हैं। ये अल्फाजर की जो घड़ी है इसका मॉडल नंबर है WL08221, मेड इन चाइना, वाटर रजिस्ट है, अल्फाजर का मार्किंग दी गई है, alfajar.com, WL08221 और मेड इन चाइना ये पीछे साइड में लिखा गया है। अब सामने से ये घड़ी ऐसा दिखती है, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये अल्फाजर की मार्किंग दी गई है। साइड में इसमें है ना, एक दो तीन, तीन पुश बटन है, ये तीनों पुश बटन होते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं। इसके साथ में जो बेल्ट आया है, पहले की जो वॉचेस है इसमें ये ब्रेसलेट टाइप के बेल्ट थे स्टेनलेस स्टील के, इसके अंदर ये फ़र्क है कि ये जेनुइन लेदर के बेल्ट हैं, और ये यहाँ पर भी अल्फाजर की मार्किंग दी गई है। अब ये घड़ी के बारे में हम जानते हैं कि इसके अंदर के क्या क्या फीचर्स है। तो यहाँ पर ऊपर ये जो डेट है 11 नवंबर है, ये टाइम बता रहा है, और नीचे ये फजर का जो अव्वल वक्त शुरू होता है या तहज्जुद का जो आखिरी वक्त है उसके बारे में शो कर रहा है। फ्राइडे 17 तारीख है और 1444 हिजरी है, ये हिजरी कैलेंडर के बारे में बता रहा है। फजर में 8 घंटा बाकी है, इशराक 6:43 प्लस 20 मिनट और हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा इशराक का वक्त शुरू होता है। जुहर का वक्त है, असर का, मगरिब का, इशा का वक्त है, किबला इसमें मालूम किया जा सकता है। जैसे पुरानी घड़ियों में जो फ़ीचर थे इसमें सारे फ़ीचर तो वैसे ही हैं, ये सिटी का जो फ़ीचर है, जिस सिटी में भी जाएंगे आप वहाँ के हिसाब से टाइम सेट कर दीजिए और वहाँ के हिसाब से ये नमाज के बारे में आपको बताएगा कि ये वक्त में अव्वल वक्त शुरू होता है नमाज का। सिटी के बाद में इवेंट्स, ये इसमें एक नया फीचर है इवेंट, इसके बारे में देखते हैं हम। इवेंट मतलब हमारा कौन सा त्यौहार है, कौन से, जैसा ये रमज़ान 23 तारीख को शुरू होगा 2023 में, ये ईद उल फितर 21 तारीख को ईद उल फितर है चौथे महीने में अप्रैल में 2023 को, और ईद उल अज़हा 28 तारीख को है जून में, और मुहर्रम 19 तारीख जुलाई में, 19 जुलाई को मुहर्रम शुरू होगा। तो इसके बारे में ये इवेंट इसमें दिया गया है। इवेंट के बाद में इसमें जो है हमारा अरबी, इंग्लिश, अगर लैंग्वेज इसमें चेंज करना है तो ये अरबी भी हो जाएगी, इंग्लिश भी, टाइम भी उसके हिसाब से शो करेगा। हिजरी रखना या जॉर्जियन कैलेंडर रखना, इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, तो उस हिसाब से हम रख सकते हैं, ये टाइम सेट कर सकते हैं मैनुअली, है ना। अगर हमने सेटिंग जो की है उसको फॉर्मेट करना है तो ये पूरी टाइम फॉर्मेट हो जाएगी सेटिंग। अजान डिस्प्ले की हमको अजान का टाइम शो करना चाहिए तो उसके हिसाब से। तकवीम जो होता है कि जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि बर्रे सगीर में हनफी, शाफई, हमली, मालकी और मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले लोग हैं, तो इन मज़ाहब के जो मानने वाले लोग हैं उनके हिसाब से जो टाइम का अव्वल वक्त होता है उसके बारे में बताएंगे आगे। इसमें अलार्म भी हम सेट कर सकते हैं, स्टॉप वॉच सकते हैं, वॉल्यूम ऑन कर सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं इसके अंदर। माय नेम, इसके अंदर जो भी हमारा नाम है हम लिखकर उसको ऊपर जैसा डिस्प्ले में हम ऊपर कर सकते हैं।
हम कोई कुरान की आयतें वगैरह पढ़ते हैं तो उसकी मार्किंग के लिए ये फीचर दिया गया है। और शॉर्टकट जैसा ये सब बटन पर हमको शॉर्टकट रखना है या किबले का किस सिमत में मालूम करना है, इस बहुत से जगह सफ़र करते हैं तो हमें रास्ते में ही नमाज़ पढ़ना पड़ता है, तो ये किबले का वक्त इससे मालूम किया जा सकता है कि किस तरफ की। और ये इनकी वेबसाइट का नंबर है और ये बैटरी भी बताता है कि कितनी है, कम होएगी तो हमको शो करेगा, तो आप बैटरी बदल सकते हैं इसके अंदर में। अच्छा, इसके इसके जो कलर है, पिछली जो घड़ियों में जो कलर था, तो जैसा ये घड़ी है ये सब तो स्टेनलेस स्टील कलर, और ये जो है गोल्ड कलर में आती है। अब इसका जो डिस्प्ले है, बैकग्राउंड है वाइट है और नंबर ब्लैक है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ इसका अपोजिट किया गया है, इसलिए डे लाइट वगैरह में भी इसको इजीली हम लोग देख सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो जैसी भी घड़ी हम लोग चाहें तो वैसी घड़ी ले सकते हैं। ये सारी घड़ियाँ अलफजर की घड़ियाँ हैं। एक बात ये भी कहना है कि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट भी किया इस घड़ी के बारे में कि भाई आप घड़ी बेचते हो कि नहीं, और ये मैं सेल नहीं करता हूँ, बल्कि ये सब ये सऊदी से मंगाई गई घड़ियाँ हैं, कि आपके भी अगर रिश्तेदार हैं या पहचानने वाले जान पहचान वाले तो आप भी सऊदी से या दुबई से या और भी जगह पर जहाँ मिलता है आप वहाँ सर से मंगा सकते हो। और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि उमरे पर जब जाऊँगा तो वहाँ से अलफजर की जो शोरूम है तो वहाँ पर भी उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग इसके लिए दुआ भी करें, इंशाल्लाह अल्लाह जल्दी से जल्दी उसके लिए कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।